हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोना 24 एम में। मैं राहुल सिंघानिया। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है नोटिफिकेशन निकल के सामने आई है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इन नोटिफिकेशन रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि रायपुर बैगन रिपेयर शॉप रायपुर की तरफ से जो है 2022-23 के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकल के सामने आ रही है अप्रेंटिस की। जो अभ्यर्थी आईटीआई पास हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, तब तक बने रहे दोस्तों। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सोना 24 एम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल सकता है, तो बिना समय गवाए हम चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा एक एक करके सारी पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तब तक बने रहे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SECR भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 1033 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इच्छुक उम्मीदवार SECR अप्रेंटिस भर्ती 2022 में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 24 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व रेलवे रिक्ति 2022 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क जैसे महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सोना 24 एम को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। दोस्तों यहां से आपको काफ़ी मदद मिल सकता है जॉब पाने में। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सोना 24 एम जो है स्टूडेंट की एम के ऊपर काम करता है, उनके लक्ष्य को टारगेट करता है। दोस्तों तो आगे आपको बताना चाहूँगा कि SECR नौकरी में अप्रेंटिस 1033 पदों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अधिसूचना जारी किया है। आप SECR भर्ती के लिए 28 अप्रैल 2022 से 24 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको देखा जाए तो आपके पास एक महीने का टाइम है, इससे पहले पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहूँगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 2022 की SECR अप्रेंटिस अधिसूचना 2022 के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों किस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, तो हम आपको बताना चाहूँगा भाई कि अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से आईटीआई पास या समक्ष होना अनिवार्य है। बताने का मकसद मतलब ये दोस्तों कि अगर आप मैट्रिक, इंटर और आईटीआई पास हैं तो आप इस फॉर्म को बेहिचक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आयु सीमा की। आपको बताना चाहूँगा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को सरकार के नियम के अनुसार आपको छूट भी मिलने वाली है। दोस्तों हम आपको बताना चाहूँगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अधिसूचना 2022 के बारे में, SECR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में। दोस्तों तो आपको बताना चाहूँगा कि महत्वपूर्ण तिथि जो है आवेदन पत्र जमा करने की जो है प्रारंभिक तिथि जो है दोस्तों वो 28 अप्रैल 2022 हैं, और आवेदन पत्र जमा करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों 24 मई 2022 से आप पहले पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो बताना चाहूँगा कि सामान्य OBC EWS उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये लगने वाले हैं, और SC ST PH उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाले। दोस्तों आगे हम बात करते हैं आवेदन कैसे करें, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आवेदन का जो है तरीका आप ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और नौकरी का स्थान दोस्तों ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, अखिल भारतीय है। योग्य उम्मीदवार 24 मई 2022 से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि उम्मीदवार का चयन मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों इसमें आपका एग्जाम का जिक्र नहीं किया गया है, डायरेक्ट आप जो है आपका मेरिट लिस्ट होगा और दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा, और अधिक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप देख पाएंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों
कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए पूर्ण अधिसूचना जो है रिक्त पदों की जो है वो अप्रेंटिस के रिक्त पदों के लिए वैकेंसी हो रही है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि विभिन्न विभिन्न पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जो भी आईटीआई का ट्रेड है दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, अच्छा मौका मिला है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।